एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर हुए रवाना। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी को मिली वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा। सपा नेता की मांग, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम मुलायम सिंह यादव के नाम पर रखा जाए। पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। मुलायम सिंह की मौत पर भावुक हुए अखिलेश, कहा आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। यूपी में बाढ़ बारिश से 6 की मौत, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई परीक्षण करेंगे सीएम योगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर हुए रवाना। कर्नाटक में ओला उबर और रैपिडो की ऑटो सर्विस पर आज से लगी रोक। कोलकाता में देर रात गोलीबारी, एक शख्स अस्पताल में भर्ती, भारी फोर्स हुआ तैनात। रेप केस में FIR दर्ज करने के आदेश के खिलाफ शहनवाज हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।